जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में बहुत जल्दी से स्वागत है आपका। क्योंकि आज भाई जल्दी उठ गया और भाई पहले इसके लड्डू कर दूँ ला गया बैठ तो बस। अभी समय हुआ है 6:49, तो भाई टेक्निकली मैं उठ गया था 5 बजे। अगर उठ ही गया हूँ तो भाई क्यों ना इस सिचुएशन को भाई एक अवसर में बदल दूँ। काफ़ी दिन से सुबह आपको पता ही है भाई व्लॉग देखते हैं आप लोग कि मॉर्निंग में गया नहीं था जिम में, तो भाई बस अभी वंशु का वेट है। 2000 years later वंशु आ गया है और भाई सुबह आने का ये फायदा, रोड वोड आपको देखो सारे खाली मिलते हैं। भीड़ तो भाई पूरी हो गया है जिम में सुबह भी ना। मॉर्निंग है, मंडे है, मोटिवेशन जोरों पे है, अच्छा वर्कआउट करेंगे भाई सुबह। 1 hour later भाई वर्कआउट तो हो गया अपना, बढ़िया हो गया यार। एक तो भाई रात ने नींद नहीं हो रही पूरी, फिर ऊपर तो आज करनी थी कार्डियो भी कर लिया और शोल्डर पेन की वजह से आधी एक्सरसाइज तो भाई मेरी होती है कोना, मेरी एक्सरसाइज आधी नहीं होती। तो ये भी फायदा उठावे, ये भी फायदा उठावे महाराज जी ने, मैं बैठा दिखूँ आप भी बैठ जाए नहीं मेरा भाई, मेरी तो उम्र हो रही है। चलते हैं घर पे। गुड मॉर्निंग, ना भाई बड़गा गया छुट्टी और बड़ग रहे हैं कती राजी। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, इसने भी नहीं आती इंग्लिश में गुड मॉर्निंग करनी आवे मैं गुड मॉर्निंग या क्या होया इस तरह और बता इंग्लिश में क्या कैसे बेस्ती करो बस हवा निकल गई भाई बेइज्जती क्या करूं मैं, तो पूछो और क्या कह सकते हैं बता। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, हाउ आर यू, यो के बांधा माथे पर बांधा बता यार, देख इन्हें ये माथे पर नहीं बांधा जाता लड़ ले, स्कूल बैग नहीं है ये तेरा, ये शर्मा हुआ है देख। हेलो स्कूल में बांध के जाया करता ना तू पट्टा यार, बांध लेता भाई इसको बैग का यो अरे पाछा बैग एक बार करके दिखाइए कैसे करते हैं बाहर उतर कर करके दिखा, चल करके दिया भाई, ले भाई ये सरकारी स्कूल का झोटा बेटे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो भाई नहा दोगे, अब मैं हो गया हूँ रेडी और जस्ट भाई अभी अभी पूजा भी की है तो अब मम्मी ने बना दिया होगा भाई जब तक जूस, तो जूस पी के कोर्ट नहीं जाना, आज कहीं और जाना है वो बताता हूँ कहाँ जाना है। तो भाई पूजा की जब तक हमारा जूस रेडी हो गया और आज घर पर जूस पी के निकलते हैं, रोहतक जाना है, रोहतक क्यों जाना है वो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, तब तक ये पी लेता हूँ और अपना टीका लगा लेता हूँ। सो गाइस टीका लगा लिया, नाउ आई एम रेडी। और हेलो 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 भाई आयान तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे कपड़े। ओके हेलो हेलो हेलो, आयान की ड्रेस तो भाई बहुत अच्छी लग रही है आज, न्यू है आयान, न्यू ड्रेस है, वाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम, कौन है ये लोग? सो भाई हमने अपना पपी ले लिया, पपी अभी सो रहा है ठीक है, और वैसे मेरे साथ भाई सुमित्रा आना था साथ में पर उसको भाई कोई काम आ गया वो आ नहीं पाया, तो मेरे को एकदम से ना ध्यान आया कि यार रास्ते में टोल भी आएगा और जो टोल है वो सुमित्र के गांव में ही है ठीक है, जो रोहतक जाते हुए आता अपना तो भाई टोल का आप लोगों को पता ही है जिनके गांव में होता है, आसपास के जो किलोमीटर उनके निर्धारित होते हैं भाई उन गांवों का टोल नहीं लगता है। तो मन ने क्या करा, मन ने ले लिया सुमित का ड्राइविंग लाइसेंस, वाह आज मैं भाई टोल बचाऊंगा, मन ने देना ही नहीं टोल, मस्त प्लान है। तो वैसे अभी टोल आने वाला है, फिर देखते हैं भाई हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चलता है या नहीं और टोल हमारा फ्री होता है या नहीं। लो भाई ये आ गया है टोल और ये रहा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, अभी देखते हैं भाई टोल बचा गया आज। और भाई हमारा टोल बच गया है, कोई पैसा नहीं लगा, सुमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बट अब हमें पता है भाई यहाँ से आना है तो हमें सुमित का आई कार्ड लेके आना है। तो
वही अब करवा लेते हैं गाड़ी में डीजल फुल। और ये हमारा उठ गया भाई शैतान। जब तक हम आपको ये दिखा देते हैं कैसा है, लो भाई देख लो। और ये भाई हमारे सुल्तान का बच्चा, बहुत प्यारा बनेगा, ये नोटी भी बनेगा, है ना? देखो अभी से नोटी है, क्यूट है ना, सुल्तान पे गया बिल्कुल। Meanwhile, ये भाई हमारे गांव की गौशाला। सो भाई मैंने पपी तो दे दिया भाई, हमारे रिलेटिव ही है भाई, और पपी वैसे बता दूं आपको जाएगा भाई आर्मी में, आर्मी में एक बड़े रैंक पे हैं, मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, और हमारे रिलेटिव ही हैं, उनके पास में जा रहा है पपी, वो यहाँ से अब जाएगा जहाँ पे भी वो पोस्टेड है। पपी देने के बाद भाई रोहतक आए और एक गेड़ा यूनिवर्सिटी में ना मारा, तो भाई क्या फ़ायदा है भाई। मैंने पहले भी बताया है मेरा जो कॉलेज था वो यहीं था भाई रोहतक में, MDU कैंपस लॉ डिपार्टमेंट, तो एक गेड़ा भाई यूनिवर्सिटी में भी मार लेते हैं और अपना थोड़ी सी मेमोरीज का फ्लैशबैक आ जाएगा। और हमारे उड्डा भाई भाई मिलेंगे अभी, तो उनके साथ भाई कॉफ़ी ज़रूर पीनी है भाई। ये देखो भाई विश्व का सबसे बड़ा परांठा, जस्ट बालाजी परांठा, रॉयल परांठा जंक्शन। Meanwhile, हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें, हेलो। लो भाई हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, एक बार इनसे मिलेंगे। नमस्कार जी। अतुल भाई। हाँ जी। बेटे ने पहचाना आजकल, कैसे हो? खेलता है, मैं वकील हूँ या सरकारी? मैं भी वकील हूँ जी, उमन कौशिक पैनल में हूँ। अच्छा, मैं वहाँ पे हूँ, अपना सोनीपत प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। कहाँ, कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ में। कौन से स्कूल में? सब जूनियर, 6 बार नेशनल खेल चुका। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो एक बार और हाथ मिलाओ आप। तो भाई हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे और बहुत ही प्यारा बच्चा है, क्या नाम है आपका? नैतिक कौशिक। नैतिक कौशिक, कैसा लगा आपको? अच्छा, आप ब्लॉग देखते हो ना, कमेंट भी जरूर करना। अब कल वाले ब्लॉग में आओगे आप भी, ठीक है? क्या खेलते हो? टैगवांडो। एक अभी किसको दिखाओगे मार के? चलो भाई छोटे भाई के साथ एक फोटो ले लेते हैं। तो भाई अभी यूनिवर्सिटी जा ही रहा था, हमें हमारा एक सब्सक्राइबर मिला रोहतक से, और उन्होंने भाई, दोनों पापा बेटा थे, तो उन्होंने भाई रोका, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल जी, काफ़ी देर उनसे बात की, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। ये देखिए अब जा रहे हैं, और भाई साहब भी हमारे भाई एडवोकेट ही हैं, तो आगे भी मिलना जुलना लगा रहेगा। तो चलते हैं भाई यूनिवर्सिटी में, आ गए भाई गेट में। फ्लैशबैक पता है क्या आते हैं यहाँ पे आगे, एक टाइम था जब भाई बसेस में आता था मैं, और यहाँ पे है ना पैदल चलता था पूरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है? और पूरी यूनिवर्सिटी में भाई पैदल चलना होता था, क्योंकि कोई व्हीकल होता नहीं था भाई, और बस में आता था मैं, और काफ़ी देर वेट करके बसों में भाई धक्के खा के लिटरली तब आता था। और एक आज का टाइम है भाई, ठीक है? आज का टाइम क्या है, अपनी गाड़ी, अपने खुद से ली हुई गाड़ी, और उसको ले गया हूँ भाई उसी जगह पे जहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ, और जहाँ जिस यूनिवर्सिटी ने मेरे को भाई इस लायक बनाया कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ जिंदगी में। और ये आ गया भाई हमारा लॉ डिपार्टमेंट, ये है भाई लॉ डिपार्टमेंट की ही पार्किंग। कोई भाई अंदर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि ना मेरे को कोई जानता है यहाँ पे ना कुछ, बट हाँ ये कि एक चक्कर जरूर बनता है यहाँ का। भाई एक बात तो है, जब छोटे थे ना, मतलब कॉलेज में थे, गाड़ी गुड्डी होया नहीं करती भाई, पाए अंडा करते, जब नू सोचा करते गाड़ी हो जा, गाड़ी होती तो नू होता। कई लोग का दौरे थी भाई गाड़ी, जिनके भाई माँ बाप दौरे बढ़िया पैसा था, मोकले रुपये थे, उन दौरे थी गाड़ी, पर भाई हम तो पाए हैं अंडे थे यूनिवर्सिटी में ना। बट हाँ आज अच्छा लग रहा है भाई यूनिवर्सिटी में आके ना, और अपनी गाड़ी में आके तो आप समझ सकते हो ना क्या वाइब आ रही है मेरे को,
जी हाँ बिल्कुल वही वाइब है भाई, बहुत बढ़िया, मतलब मजेदार वाली सी बात हो रही है। और पूरी यूनिवर्सिटी का गेड़ा मारा भाई मैंने ना, क्योंकि उस टाइम पर तो गेड़ा मार नहीं पाया करते, अपना व्हीकल नहीं था, और आज वह कसर पूरी कर ली। तो ये भाई मारा उड्डा भाई आवे है, उड्डा भाई गेला पियेंगे कॉफी, फिर चलेंगे अपने घर और फिर अपने बाकी के दिन के काम संभालेंगे, होगी मौज मस्ती। ये हमारे उड्डा साहब वंस अगेन, हाय उड्डा, हाय इधर आए, हाय हाय। तो भाई उड्डा साहब ने कॉफी पिला दी, ये हमारे और भाई साहब कॉफी गैंग नरेंद्र ने पिलाई। कभी रोहतक आओ तो भाई होटल जे सिक्स की सेवाएं लेना, जितने साथी हैं 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ दिल्ली बाईपास होटल जे सिक्स भाई, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। A few moments later भाई अब हो गया है टाइम घर चलने का, तो रुको जरा सबर करो। ये देखो भाई स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो देख लो भाई, ये स्कॉर्पियो देख लो भाई, पीछे स्कॉर्पियो साइड पे, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। इंडिया का दूसरा नाम है जुगाड़। Meanwhile तो भी चलते हैं भाई, शहद लेते हैं पहले तो भाई, शहद कौन कौन से, ये सारे अंकल जी अपने पास, ये जो मिक्स हुआ है, ये अच्छा 480 रुपए का, कितना है ये 1 किलो, और क्या क्या पैकिंग है इसमें? 5 किलो, तो ये तो मिक्स हो गया अंकल जी। अच्छा ये तुलसी का है, ये मतलब जून से पेड़ पे बैठे हैं वो। हाँ हाँ शायद भाई हमने ले लिया है, और पहले भी भाई मैंने लिया था, साल दो साल पहले लिया था इनसे ना, और रेट भी भाई वाजिब से हैं अपना, कोई ज़्यादा रेट नहीं है, बट ये है कि आपको प्योर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि ये भाई मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है, बी फार्मिंग करते हैं, इनके वो होते हैं ना जो जिसमें शहद बनाते हैं, वो लेके अलग अलग जगह रखते हैं, फिर उसी से वैरायटी तैयार होती है, तुलसी का है अपना, नेचुरल है, मिक्स वाला है, जो हमारा नॉर्मल हम खाते हैं वो मिक्स होता है, कई चीज़ों का मिक्स होता है उसमें, और मतलब जो मैंने आपको दिखा भाई, रेट लिस्ट वगैरह भी दिखाई मैंने, ऑप्शंस भी दिखाई, नीम का भी होता है, अलग अलग होते हैं, तो वो शायद आप ले सकते हैं भाई, खरखोदे में है ये बिल्कुल, बाईपास से निकलते हुए सिसाने की तरफ जाते हुए। 2000 years later विषमभुजाल मंदिर में मैं अकेला ही पहले आज आरती अटेंड कर लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा, बच्चों का खाना वाना रेडी करूंगा, और फिर मैं निकलूंगा भाई वंशु को लेके हनुमान मंदिर के लिए। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम शंभुजाल मंदिर में, और आपको आवाज़ आ रही है, ऑलरेडी आरती चल रही है, तो बस मैं ये आरती अटेंड करने आया हूँ, नहीं तो घर जाके आता, तो आरती अटेंड कर लेते हैं भाई। आज है मंडे, और मंडे के कारण होती है बहुत ज़्यादा भीड़, बट हाँ ये है कि हमने आरती अच्छे से अटेंड कर ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। लो भाई छोरे के मान छोरे दे दे दो, चल गया, और तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, अपना स्टाफ चलेगा बिल्कुल। सो भाई फाइनली आ गए घर पे, और अभी फ्रेश अप होके फिर जिम के लिए निकलते हैं, बच्चों का खाना वाना रेडी कर। लो मी आपके लिए गिफ्ट है, पैसा सोचो क्या होगा, बताओ बताओ। हाँ दारू वाली हाँ, ओ हो कति लास्ट में गैस कर दिया, पड़ गए गे ना, पता नहीं वही है वो केक रखा तुलसी वाला, एक और एक वैसा है नॉर्मल वाला, कुछ ना तुलसी का पता ही नहीं। हाँ तुलसी का टेस्ट हुआ है प्रॉपर। A few moments later लो भाई ये शूज देख लो, ये कितने वंशु आइडिया मार, चल 250 रुपया दे करे भाई, ये दोनों हमारी फिर से बरगी है, और आज मम्मी जी ने भाई फतवा जारी कर दिया है कि या तो अपनी भाई नई अलमारी ले ले दो, उधर भी भाई शूज फुल हैं, ऊपर भी वो नए शूज आ गए हैं सारे भाई,
कुछ लोग हैं इसको बेवकूफ़ी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसको समझेंगे कि हाँ भाई होता है, शौक शौक की चीज़ है। लो भाई पहुंच गए हनुमान मंदिर भी। भाई कितनी प्यारी मम्मी है मेरी, मेरे हाथ लग गई भाई गरम गरम खाना देने मेरे ते ही। मम्मी के हाथ की अपनी रोटी और गरम गरम दाल, मेरे को बड़ी पसंद है भाई ये नॉर्मल वाली दाल अपनी। दो रोटी बनेंगी मेरी, दोनों खाएंगे, फिर बच्चों को खाना वाना देंगे भाई लास्ट में। लो भाई अपना डिनर रेडी। पापा जी की चल रही है न्यूज़, पापा जी मम्मी ने इन्हें खा लिया, मैं रह गया बस, अब मैं भी खा लेता हूँ भाई अपना खाना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बच्चों का खाना वाना हो गया सब कुछ, मैंने अपना भी डिनर कर दिया था, अब है कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी। उसके लिए भाई ये मैंने ओवरनाइट ओट्स भिगो दिए हैं, अब इसको ढक देंगे और रात को भाई दूध पीना है, तो दूध में आज हम डालेंगे तुलसी वाला शहद, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भाई टेस्ट वैसे कैसा आया है, ठीक है। एक मिनट खोल लूँ इसको, गर्म गर्म दूध है, देखो बाफ निकल रही है। लो भाई लो, ये देखो भाई शहद, ठीक है। थोड़ा सा शहद हम चख के भी देखते हैं, जैसा तुलसी के बीज पत्तों में से आता है ना वैसा, और वही नॉर्मल से ना थोड़ा हटके है टेस्ट। ये था भाई आज का मेरा दिन, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।